नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पर। और आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेकेंड पार्ट के बारे में। अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी के क्वेश्चंस इस वीडियो में मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन वॉज, यानी कि हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कौन सी थी? क्या वो दास श्रम पर आधारित थी, रंग वर्ण यानी कि कलर पर आधारित थी, या कास्ट बेस्ड थी, जाति आधारित थी, या फिर काफ़ी समतावादी थी यानी कि इगैलिटेरियन सोसाइटी थी? तो देखिए, इसका जवाब हो जाएगा फेयरली इगैलिटेरियन। वहाँ पर इक्वालिटी, सभी लोगों को बराबर समझा जाता था, कोई जाति धर्म या कलर बेस्ड की जो है सोशल सिस्टम वहाँ पर नहीं था। तो उत्तर हो जाएगा काफ़ी समतावादी। और आप जानते हैं कि ये कौन सा रीजन है जिसके बारे में हम बात करते हैं? तो ये रीजन है आपका पाकिस्तान का, जो कि सिंध में है, वो है मोहनजोदड़ो में पड़ता है और रावी नदी के किनारे पड़ता है हड़प्पा। आलमगीरपुर गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो ये आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं और ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस सेशन में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ करेक्ट, कौन से कथन इसमें से सत्य माना जाएगा? कि सबसे पहले घोड़े की बलि के बारे में हड़प्पा वासियों को पता था, गायें उनके लिए पवित्र थी, उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी, या संस्कृति सामान्यतः स्थित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पशुपति जी की पूजा वो करते थे। और उसका जो प्रूफ है वो यहाँ पर ये सील के माध्यम से इस तरह से आप देख सकते हैं। और पशुपति जी को मॉडर्न शिवाजी, जो हम जानते हैं महादेव, देवों के देव महादेव, उन्हीं को जानते हैं हिंदू धर्म में, तो मॉडर्न शिवा इन्हीं को पशुपति भी कहते थे, तो इन्हीं की पूजा होती थी। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पशुपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इंडस वैली, विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो ये हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कहाँ से पता लगता है कि वहाँ का आर्थिक विकास और वाणिज्यिक विकास हो रहा है या दिखाया जा रहा है? तो सील्स के माध्यम से पता चलता है। तो सील्स यानी कि इस तरह के स्टोन्स के ऊपर या फिर टेराकोटा के ऊपर ये बनाते थे। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जानवर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर पशुपति जी हैं, और भी बहुत तरह के सील्स जो हैं यहाँ पर बनाते थे। तो सील्स के माध्यम से यहाँ पर ये पता चलता था। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया, सबसे पहली सिटी कौन सी थी? तो भारत में खोजी गई सबसे पहली, जो पहला शहर था वो था हड़प्पा। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, और पंजाब, वहाँ का जो पंजाब रीजन है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये पड़ता है। तो इस तरह की सिटी थी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, पानी की व्यवस्था प्लस सबसे बढ़िया वेल्स यहाँ पर, और शहरीकरण बहुत अच्छा यहाँ पर किया गया था। इसके बाद में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स, यानी कि कौन हड़प्पा स्थलों की खुदाई में नहीं मिला है? तो आप जानते हैं ड्रेन्स एंड वेल्स मिले हैं। देखिए, वेल्स यहाँ पर, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, यहाँ पर किले भी पाए गए हैं, रिजर्वायर्स, जलाशय भी पाए गए हैं, लेकिन क्या नहीं पाया गया है? कोई मंदिर वहाँ पर नहीं मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिखर के साथ मंदिर। अगला सवाल है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कब की गई थी? ये SSCCGL 2004 में आया है। तो ये की गई थी 1921 में, और आप जानते हैं दयाराम साहनी जी के द्वारा ये की गई थी। तो उत्तर हो जाएगा 1921। ये यहाँ पर पिक्चर आप देख सकते हैं। द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड द हिंदुइज्म टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप, यानी कि अगर बात करें प्राचीन संस्कृति और हिंदू धर्म के बीच जैविक संबंध की, तो किस कौन सी सी पूजा है जिसे सिद्ध होता है? तो ये है पशुपति, इंद्र और मदर गॉडेस की, जो हम आज भी पूजा करते हैं। तो उनकी पूजा पहले भी करते थे, तो हिंदू घाटी सभ्यता में जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो पशुपति, इंद्र और देवी माँ की पूजा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए। ये पूछा गया है SSC टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स, विच वॉज द ओनली इंडोसाइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, यानी कि एक सिंधु स्थल था जहाँ पर डॉकयार्ड यानी कि जहाँ पर शिप्स आकर रुका करते थे, एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं लोथल में, और ये है गुजरात में, ये इस तरह का है आप देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा लोथल। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज एबसेंट इन द टेराकोटाज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, तो देखिए ये हम सील्स की बात कर रहे थे, तो ये होती हैं वो सील्स, इस तरह से एनिमल्स छपे होते हैं। तो जो जो एनिमल्स वहाँ पर मिलते थे उन सभी को यहाँ पर छापा गया है।
इसकी टाइगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप गैंडा देख सकते हैं, यहाँ पर एलिफेंट देख सकते हैं। तो कौन सा नहीं था उसमें? ये टेराकोटास के बने हुए हैं। सील्स तो बफेलो थी, शिप थे, पर काओ वहाँ पर एबसेंट थी। तो गाय के बारे में कोई भी वहाँ पर सोर्स नहीं मिलते थे पालतू जानवरों के, तो अनुपस्थित कौन थे? गाय। कौन सी इंदर सिटी एक विदाउट सिटाडल के है, यानी कि बिना गढ़ वाला? आप जानते हैं ना गढ़ बने होते थे, तो कौन सी सिटी है इंदर सिटी में जो कि बिना गढ़ की थी, बिना जो है सिटाडल की थी? तो वो है चाहूं दरो। तो ये भी पाकिस्तान में ही, फिलहाल के पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रोविंस में, माफ कीजिएगा, जो है ये पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा चुंदर। वहाँ पे इस तरह के सील्स वहाँ पर मिले थे, ये भी आप देख सकते हैं। द एसेंशियल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़बरदस्त चीज़ वहाँ की क्या थी, कि वहाँ की जो ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो संगठित शहरी जीवन वहाँ पर आपको देखने को मिला प्रूफ के तौर पर इस तरह के, तो क्योंकि ड्रेन्स की व्यवस्था थी, नालियाँ प्रॉपर बनी थी, पक्के ईंटों के घर थे वहाँ पर, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ वहाँ पर देखी गई थी। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज, तो अभी अभी हमने बात करी इस तरह के पक्के घर वहाँ पर मिलते थे, तो किसके बने होते थे? बर्नट ब्रिक्स के वहाँ पर घर मिलते थे, जली हुई ईंटों के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी? तो आप जानते हैं, ये भी हमें इंडस वैली में ही पता चला है, कॉपर, यानी कि कॉपर सबसे आपका पहला धातु जो मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया गया है। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये हम देख ही चुके हैं, तो वहाँ की शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, और इसी इसी का स्ट्राइकिंग फीचर, यानी कि सबसे प्रमुख विशेषता, माफ कीजिएगा, इसको माना जाता है, ये पूछा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स, इनमें से पहले कौन से थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजे थे सबसे पहले? तो 1875 में हड़प्पा सभ्यता के निशान खोले थे अलेक्जेंडर कनिंगम में, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे उस वक्त। तो 1875 में इन्होंने सबसे पहले खोजे थे, उसके बाद दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और बाकी लोगों ने, आर डी बनर्जी जिन्होंने की मोहनजोदड़ो की स्थापना की थी, दयाराम साहनी जिन्होंने की हड़प्पा, और जॉन मार्शल के अंडर इन दोनों ने 1921 में, ये 1924 में जाके इन्होंने बताया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो आर डी बनर्जी हैं उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की और 1921 में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना। तो यह है अलेक्जेंडर कनिकम। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो हम देख चुके हैं कि दुनिया का पहला प्लव फील्ड जोता हुआ खेत यहाँ पर मिला था, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। विच अमंग हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो कौन एसोसिएट थे हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्टडी के लिए? तो ये थे MS वत्स, ये ध्यान रखिएगा, ये एसोसिएट थे, इन्होंने जो है अध्ययन इसका किया था, इन्होंने इस पर कोई किताब भी लिखी थी उस समय में। तो ये हो जाएंगे MS वत्स। हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस, सबसे पहले लोग थे जिन्होंने प्रोड्यूस किया था, किसका उत्पादन किया था? तो किया था इन्होंने कपास का, यानी कि कॉटन का इस तरह से, और आज तक आप इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वॉज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हड़प्पन सील्स, तो अभी अभी हमने देखा भी था कि किसके बने होते थे ये जो मोहरें बनती थी, मोहरों पर जिन पर पशुपति जी और अलग अलग एनिमल्स के चिन्ह हमको मिले हैं वो किसकी बनी होती थी? तो हमने देखा ये टेराकोटा के ज़्यादातर बने होते थे, तो उत्तर हो जाएगा टेराकोटा। द लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडिया इज डिराइव, तो ये हड़प्पा संस्कृति है, आप देख सकते हैं मैप में ये वाला रीजन, ये हड़प्पा है यहाँ पर, ये है मोहनजोदड़ो, यहाँ पे मोहरगढ़ है, यहाँ पर आलमगीरपुर है यहाँ पर। तो कौन सी लैंग्वेज थी जिससे इंडिया को डिराइव किया गया? तो ये था पर्शियन लैंग्वेज, क्योंकि हिंदू इंडिया जो है, ये वर्ड इंडस जो है, ये आपका पर्शियन से लिया गया है, पर्शियन भाषा का शब्द है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो आप जानते हैं हड़प्पा ये जो शहर बसा हुआ है ये वाला, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में आता है, और वो है इंडस नदी के किनारे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पर पाया जाता है? तो
तो ये आपने मूवी देखी होगी, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार पाया जाता है, इस तरह का है। और यहाँ पर जो है सभी, यहाँ पर रेस्ट रूम्स भी बने हुए थे, सब तरीके से व्यवस्था थी प्रॉपर। यहाँ पर देखिए पानी होता होगा और यहाँ पर ये स्नानागार बना हुआ था। यह आया SSC CGL 2015 में। वट वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी, तो ये हम जानते हैं हिंदू घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कृषि पर आधारित थे। और मेसोपोटामियन जो सभ्यता है, जो फिलहाल इराक आप जिसको कहते हैं, वहाँ की सभ्यता से वहाँ से ट्रेड करते थे और वहाँ से रॉ मटेरियल्स कच्चा माल लाकर यहाँ पर बनाते थे उससे, और बाकी कृषि पर ज़्यादा ही ज़्यादा निर्धारित थे, यानी कि आधारित थे, माफ कीजिएगा। नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट है मेसोपोटामिया जो हमने बात करी, और ये कहाँ पर है, मॉडर्न इराक के अंदर, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इनमें से कौन से, देखिए लोथल जो है ये गुजरात में है, इसके बाद कालीबंगन राजस्थान में है, आलमगीरपुर जो है गाजियाबाद है, ये भी इंडिया में है, हड़प्पा ये है पाकिस्तान में, और वहाँ के पंजाब प्रोविंस में ये आती है, तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ये आप देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, तो किसकी पूजा करते थे हम जानते हैं, देख चुके हैं पशुपति जी की, इस तरह की मोहरें वहाँ पर मिली थी, तो आंसर हो जाएगा बी पशुपति। मैच करिए मोहनजोदड़ो, तो आप जानते हैं मोहनजोदड़ो में अभी अभी हमने देखा सबसे बड़ा बात पाया गया था, हड़प्पा में इस तरह का एक स्टैचू ऑफ द प्रीस्ट मिला है, और कालीबंगन में सबसे, दुनिया के सबसे पुराने प्लफ मार्क्स माने जाते हैं, लोथल में हमें किला मिला है, तो आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। अगेन यही सेम चीज़ है, ये है ग्रेट बात मोहनजोदड़ो का, और हल्के निशान, तो आप देखते हैं कि ग्रेट बात मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा में पुजारी की मूर्ति जो हमने अभी देखी ये वाली, और इसके बाद कालीबंगन में हल्के निशान पाए गए हैं, लोथल जो है ये पोर्ट था जानते हैं। हाउ वर द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सड़कें कैसी थी, तो आप जानते हैं चौड़ी और सीधी सड़कें थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम कितना ज़बरदस्त था, और साथ ही साथ में तो वाइड एंड स्ट्रेट वुड बी द आंसर। इसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष निम्नलिखित में थे, किस नदी तट पर पाए गए थे, तो कौन कौन सी थी, तो जैसा मैंने कहा रवि नदी के किनारे हड़प्पा और इंडस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, तो आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। वट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सी स्क्रिप्ट थी, तो देखिए अभी तक ये पता नहीं लग पाया है, हालांकि काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं लेकिन फुल प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है कि कौन सी, तो अज्ञात जो है ये स्क्रिप्ट थी, हमें नहीं पता कौन सी लिपि में वहाँ के लोग लिखते थे। विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन, ये हम देख चुके हैं कि बिना किलेबंदी वाला सिंधु का एकमात्र शहर कौन सा था, तो वो था चाहूंदरो, जहाँ से हमें इस तरह के अवशेष वहाँ पर मिले थे, तो उत्तर हो जाएगा चाहूंदरो, ये भी पाकिस्तान में ही है। विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो, तो देखिए इसका ध्यान रखिए सबसे बड़ी बिल्डिंग मोहनजोदड़ो में कौन सी है, तो ये है ग्रेनरी, इस तरह का जो जहाँ पर ग्रेन अनाज वगैरह रखा जाता था, तो इसकी ऊंचाई कुछ 42 मीटर के आसपास होती थी और चौड़ाई होती थी 15 मीटर के आसपास, तो ये काफ़ी बड़े एरिया में था, तो ये माना जाता है बिगेस्ट बिल्डिंग थी अन्न भंडार, तो ये कुछ इस तरह की फ़ोटो में आप देख सकते हैं। ग्रेट बात कहाँ पर पाया जाता है हम देख चुके हैं, ये मोहनजोदड़ो में ये तस्वीर है, तो आंसर हो जाएगा डी। विच स्टैचू वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल, कौन सा स्टैचू, ये हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं कि डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, और इस तरह की ये तस्वीर मिली थी, इस तरह का स्टैचू मिला था, तो ये आंसर आपका हो जाएगा डांसिंग गर्ल। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, देवी माँ की पूजा से क्या संबंधित थी, कौन सी सिविलाइजेशन में करते थे, तो ये हम देख चुके हैं कि देवी माँ की पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन में पशुपति जी के साथ में की जाती थी, तो ये हो जाएगा आपका CPO 2018 का प्रश्न। तो गाइज ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया, ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।